एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में इसे ब्रेकफास्ट समझ लो या लंच समझ लो, क्योंकि लंच में मैं इनको पराठे दे रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी एक साइड में, कि चाय भी बना रही हूँ, साथ के साथ में इनकी चाय हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेड भी सेकने आ गई थी, तो यहाँ पे ब्रेड सेकने के लिए दे दिए। ब्रेकफास्ट में मैं इनको ब्रेड दे रही हूँ, क्योंकि ये ब्रेड खा के चले जाएंगे, और पराठे मैंने इनको लंच में पैक करके दे दिए, क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं ना, तो इनको फिर लंच में मैंने पराठे दे दिए, क्योंकि दूर जाते हैं, तो मैं पराठे पैक करके मैं दे ना दिए। साबूदाना के पापड़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये मैंने पहले पानी गर्म कर लिया था, और ये साबूदाने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, तो मैं इनको बना रही हूँ। तो मैंने इनको चढ़ा दिया इधर, एक कोशिश कर रही हूँ मैं इसको बनाने की, लेकिन बन जाएंगे। कोशिश कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वही बात है। तो मैं यहाँ ये बना रही हूँ। इसमें मैंने काली मिर्ची डाल दी, ब्लैक पेपर है ना, वो डाल दिया है, और सॉल्ट डाल रही हूँ। ये कावो वाला है, सेंधा नमक वाला सॉल्ट है वो, उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। ज्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि ज्यादा हो जाता है ना फिर इनको पसंद नहीं आएगा। क्या है ना, मैं ज्यादा खाती हूँ और ये कम, बहुत कम खाते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग, और इसको मैं मिला लूंगी। ये अच्छे से मतलब पक जाएगी, मतलब बन जाएगा, तो मैं इनको फैलाया हूँगी, तो ये थोड़ी देर चलो पक जाते हैं। तो मेरे यहाँ लंच भी बन गया है, चावल है आज मैंने, वो कहते हैं ना पसाने वाले, मांड वाले चावल, वो बनाए हैं, इनको भी मैं पसाऊंगी। और यहाँ मैंने सब्जी बनाई है काले चने की, और देखो कुकर कितना अच्छा हो गया है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। और काले चने की सब्जी बनाई है मैंने यहाँ पे, और ये मैं अभी आमी बनाई बनाऊंगी। और मेरे लंच वैसे सारा हो गया, मैंने कहा क्या दिखाना, रोज़ रोज़ वही लंच दिखाना, खाना दिखाना। तो यहाँ चावल वगैरह मेरे बन चुके हैं, तो मैं आगे काम कर, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको आमी दिखाई थी ना, मैं वो आमी को छौंकने के लिए आ गई हूँ, तो बस वही बना रही हूँ मैं आमी। सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं है, उसी को ही कर रही हूँ। और मैंने दाल चावल और छोले, तो काले चने की सब्जी तो मैंने आपको बताई, बनाई ली, सॉरी क्या बोल रही हूँ, है ना, तो मैंने आपको अभी दिखाई थी, तो वही हो रहा है। तो इसमें मैंने धनिया ले लिया है, सौंफ, जीरा और मेथी, यही ले लिए हैं। इसी से ही मैं ये सब्जी छौंकूंगी, मिर्ची जो ये कैरी है, कोई कैरी बोलता है, कोई आमी बोलता है। ऊपर से आने के बाद मैंने बहुत सारा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा, एकदम कपड़े वगैरह सब वॉश कर लिए, बस लास्ट के हो रहे हैं कपड़े, और सब कपड़े वॉश वगैरह सब कर लिए मैंने, तो बस मैं इसी को ही कर रही हूँ। और ये इसमें हींग भी डाल दी है मैंने, तो इसको अच्छे से मिला लूँगी, है ना। तो बस इसमें मैं थोड़ी सी देर, 2 मिनट में हो जाती है, कोई ज़्यादा नहीं होता। और इसमें मैं आमी डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मिला लूँगी। आप लोग कैसे बनाते हो एक बार मुझसे शेयर ज़रूर करना, कोई किसी तरह से बनाता है, कोई किसी तरह से, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और इसमें मैं ना साबुत धनिया डालती हूँ, और वो कहते ना पिसा वाला धनिया, वो नहीं डालती मैं, साबुत खड़ा वाला धनिया डालती हूँ, उसे मुझे टेस्टी लगती है। और इसमें बस ये हल्दी पाउडर डाल दूँगी मैं, इसमें गर्म मसाला वगैरह और एक्स्ट्रा मसाला कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया ये डाल दी, और ये मिर्ची डाल दूँगी ना, और इसमें नमक ऐड कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक ऐड कर दूँगी इसमें,
सुबह था, मैं उसको एक साइड करती जा रही थी, मैंने कहा इसको शायद के साथ में साइड में करती जाती हूँ। और इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी, कोई इसमें गुड़ भी डालता है, कोई चीनी कोई शक्कर, लेकिन मैं ना इसमें चीनी ही डालती हूँ और चीनी थोड़ी एक्स्ट्रा डालती हूँ, क्योंकि खट्टी होती है ना, तो ये थोड़ी खट्टी मीठी सी बन जाएगी और कुछ मानिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से आमी को बनाने में, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये पराठों के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, मतलब सबसे सबके साथ अच्छी लगती है। और इसमें हल्का सा बन लगे कोई नहीं, मतलब इतना मानिए एक चम्मच, एक ये वाली चम्मच है ना, इससे ऐसे ऐसे डेढ़ ग्राम दो चम्मच होगी बस, और इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे पानी डाल के रख दूँ, क्योंकि जो नीचे से ये तली है ना जले ना। तो मैं आपसे कहती थी, यहाँ मैंने देखी सारे कपड़े वगैरह धो लिए हैं और देखिए काफ़ी सूख भी आए हैं कपड़े, और मैं पीछे की साइड इसलिए डालती हूँ, कम धूप आती है ना इसलिए, जैसे कि कलर फेड ना हो, इतने में धुल जाएंगे। चेयर पे भी डाल रखे हैं मैंने सारे, बेडशीट वगैरह भी धोई है मैंने, काफ़ी कपड़े धोए हैं। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी मैं बाहर की साइड, मतलब बालकनी है ना, वहाँ पे सुखाया, और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये काम हो गया मेरा, काफ़ी काम हो गया है, बस मेरा एक थोड़ा सा ही काम बचा है, वो करती हूँ मैं। मैंने अंदर से सारा काम करके ना यहाँ पे रेलिंग साफ़ करने लगी, सीढ़ियाँ साफ़ करने लगी थी, मैंने कहा अच्छे से सीढ़ी साफ़, सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ कर देती हूँ, बहुत सारी मतलब रेलिंग भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करी, हाथों से रिगड़ रिगड़ के पूरी अच्छे से साफ़ करके लाई हूँ मैं सारी, सारा काम अंदर से करके ना, कपड़े वगैरह वॉश करके तो सारे काम कर लाई थी। यहाँ पे पायदान वगैरह जो रखे थे सारे अच्छे से साफ़ कर दिए मैंने, मैंने कहा इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी मिट्टी भी हो जाती है, देखो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, उड़ती रहती है मिट्टी, हवा इतनी चल रही थी तो मैं साफ़ कर रही, मेरे का गैलरी भी अपनी नीचे से अच्छे से साफ़ कर लाऊंगी, तो मैं यहाँ पे गैलरी भी साफ़ करने लग गई हूँ अच्छे से, मैंने कहा गैलरी वगैरह अच्छे से, यहाँ पे चेतन की साइकिल वगैरह रखे इनको भी अच्छे से वॉश करने लग गई, मैंने कहा यहाँ पे इनको भी अच्छे से वॉश कर देती हूँ, जब पानी फैलाया था उसने तक अच्छे से ही वॉश हो जाएगी। और गेट वगैरह भी मैं अच्छे से धोने लग गई थी, मैंने कहा ये गेट है बाहर के तो इनको गेटों को भी अच्छे से धो देती हूँ यहाँ पे, तो मैं गेट भी अच्छे से धो रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इनको पहुँच के ना सैनिटाइजर वगैरह कर जाऊँगी मैं इन पर, तो डेली कर लेते हैं हम सैनिटाइज तो घर पर ही है ना, तो इनको कर जाते हैं, इनके कुंदों वगैरह पर सब्जी के लगा जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारा हाथ लगता है तो सारे जगह इनको वॉश कर जाती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे चेतन की साइकिल आ गई थी तो मैं इसको चेतन की साइकिल भी धोने लग गई, तो ये गंदी हो रही थी, रखे रखे गंदी तो हो ही जाती है, इसलिए मैं इसको भी साफ़ करने लगी। देख स्कूटी वगैरह ये बोर्ड वगैरह रखे ना सब पे पानी डाल देता, सबको अच्छे से साफ़ कर लिया था हाथ लगा लगा के, तो अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो बस मैं यही काम कर रही थी, मैंने कहा तो ये अच्छे से कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। और ये चेतन था, मैं उसके साथ कुछ बोल भी रही थी, चेतन मुझसे कुछ बोल रहा था तो मैं उससे बातें भी करती जा रही थी, तो सारे अच्छे से कर लिया। देख सारे अच्छे से ये टाइल्स कैटिंग वगैरह ना, टाइल्स वगैरह इन पे अच्छे से पानी डाल दिया मैंने, मैंने कहा अच्छे से साफ़ हो जाएंगी ये, क्योंकि मिट्टियाँ चढ़ी जाती है, बहुत चढ़ जाती है मिट्टी, हवा चलती रहती है। ये देखो एक बोर्ड और आ गया दूसरा, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो ये चेतन है, चेतन पकड़ रखा था, मैं इसको वो करवा रहा था मेरे साथ, तो मैं इसके साथ कर रही थी, तो मैं इसी को मैंने कहा चलो कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी चल चढ़ती है ना, ये क्रिकेट बोर्ड है, इसको ये वो कहते हैं ना पीछे को बना लेते हैं अपना खेलने का विकेट बना लेते हैं, उसी का है, उसी को ही था, मैं इसको धो रही थी, मैंने कहा इनके भी हाथ लगते हैं अच्छे बार 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 बार, तो गंदा तो हो ही जाता है, तो मैं बस इसको अच्छे से रिगड़ रिगड़ के साफ कर रही थी। तो बस यहाँ पे कपड़े उतार रही हूँ, ये सुबह मैंने जो धोए थे कपड़े ना वो कपड़े उतार रही, एक हाथ में मैंने फोन ले रखा है और एक हाथ में से मैं कपड़े उतार रही हूँ। तो यहाँ कपड़े वगैरह उतार लिए, तो अंदर जाके कपड़े रख के आ रही इस रूम में, और इस रूम में कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं मेरे, बहुत ज्यादा पड़े हैं इसमें कपड़े, तो मैं भी दिखाती हूँ। देखी ये देखो, पहले तो धोए भी मैंने कितने सारे कपड़े थे, काफ़ी सारे कपड़े धोए थे आज, बहुत सारे बेडशीट वगैरह सब धोए थे, पापड़ भी तले, पापड़ भी बनाए थे, बहुत सारा काम करा था आज तो मैंने, नीचे से भी क्लीनिंग वगैरह करके बहुत ही ज़्यादा काम करा। और ये मेरे पापड़ सूख भी गए हैं, यहाँ पे मैंने रख रखे हैं, अभी बेड पर ही रख रखे हैं, क्योंकि ऊपर से लेके आई थी ना तो मैंने यहीं पर ही रख दिए थे बेड पर। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इधर से देखिए, ये मेरे सूख भी गए हैं पापड़,
तो मैंने अभी अपना सारा काम कर लिया है, कपड़े रखे आई हूँ, अभी थोड़ी देर में तय करूँगी कपड़ों की। ये नहीं कह रही कि मैं अभी करूँ, मैं यहीं पे है ना थोड़ी सी देर में करूँगी, अभी थोड़े से गर्म से हैं, थोड़े सही से हो जाते हैं तो मैं जब भी करूँगी। और अब आज मैंने आप लोगों को दिखाया क्या क्या काम करा सारा, नीचे से सारी क्लीनिंग वगैरह करके आई थी। आज मैंने सीढ़ियाँ वगैरह सब धोई थी, बहुत ही ज़्यादा हो गया, कपड़े भी बहुत ज़्यादा धोए थे, कहते हैं ना चादर वगैरह सोफे के कवर वगैरह पहनने के सारे हो गए थे आज, बहुत ज़्यादा हो गए थे कपड़े। और एक दो ऊनी कपड़े भी थे वो भी धोए थे, बस यही काम करा। पापड़ भी बनाए थे, साबूदाने के पापड़ बनाए थे मैंने। और हाँ पता है लोग कितने सेल्फिश हैं कि अपना सब करवा के और दूसरों का अन्न कर देते हैं, इससे पता है लोगों की सोच का पता लगता है कि लोगों की सोच कैसी है कि ना अपने अपने कहते हैं सेल्फिश होते हैं, सेल्फिश है ना, अपना काम तो निकाल लेते हैं और दूसरों का अन्न कर देते हैं, और फिर पता भी नहीं लगता कौन अन्न कर रहा है, कौन कौन सब कर रहा है, तो कितना बुरा लगता है। मेरे को तो बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि मेरे को कई बार कर दिया लोगों ने अपना सब करवाने के बाद फिर ना अन कर देते हैं, इससे पता ही नहीं लगता फिर कौन अन कर रहा है कौन नहीं, इससे ना फिर किसी का भी सब करने का मन नहीं करता। मैंने कहा पर मैं सोचती चलो पढ़ने दो कोई बात नहीं, तो प्लीज़ मैं आप सबसे ही कह रही हूँ किसी का भी कोई कभी हो और सब करवाने के बाद अपना कोई भी अन ना करो, देखो अच्छा नहीं लगता। कोई आपका खुद का करे तो कैसा लगता है ना, इतना ज़्यादा सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए। और इस ऐसे लोग पता है लगता है कि कैसी सोच है लोगों के, मतलब ही लोग हैं आज के उसमें सब। तो बस मैं अपने वीडियो को यहीं पर ही एंड करूँगी आज। पता है मैं पीछे बालकनी में बैठी हूँ, यहाँ पे ना हवा आती है बालकनी में, तो मैं यहाँ पे चेयर लगा रखी है, यहाँ पे ही बैठी हूँ। तो मैं आपको अब बाय करूँगी और आपको अगली वीडियो मिलूँगी। अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और जो भी कोई मेरे चैनल पर है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी कह है कमेंट करना। और मैं आपसे अगली वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।